वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। आप सभी के लिए अपडेट कि केबीएस का फॉर्म चालू हो चुका भैया। सरकारी रिजल्ट के भरोसे ना रहे, मैथ वॉरियर्स के भरोसे रहे। चालू का वहां भी अभी लिंक नहीं एक्टिव हो रही है, डायरेक्ट मैं सीधे चला गया हूँ केंद्रीय विद्यालय, वहां अपडेट हो रही होगी। ठीक है, केंद्रीय विद्यालय संगठन, ये देखिएगा साफ साफ इस तरीके का आपको फॉर्मेट दिखेगा सब कुछ। क्लिक हियर टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट कमिश्नर, क्लिक हियर टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, ये सब कुछ दिया हुआ। जो भी पोस्ट को आप अगर ये देखिए, क्लिक हियर टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ लाइब्रेरियन अदर नॉन टीचिंग पोस्ट इन केवीएस। ठीक है, तो पोस्ट ग्रेजुएट असिस्टेंट कमिश्नर, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल, तो सबका सब कुछ है। अगर आपको कुछ डिटेल चाहिए, ठीक है, व्यक्तिगत दावों, पूर्व लेक्षक, ये सारे कुछ उनके जो है प्रमोशन फ्रॉम द पीआरटी टू, उनका कोई आपसे लेना देना है नहीं, उनके चक्कर में पड़ो ना। हम लोग सीधे चलते हैं, फॉर्म भरते हैं, है ना। डिटेल्स डाउनलोड ये है, क्लिक हियर टू पोस्ट ग्रेजुएट एंड प्राइमरी टीचर इनके भी, ये देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई द पोस्ट ऑफ ट्रेंड टीजीटी एंड प्राइमरी टीचर। हम लोग चलते हैं इसमें, हमने किया ऊपर, यू आर बीइंग रिडायरेक्टेड इन एक्सटर्नल वेबसाइट। हम पहुंच गए भैया वेबसाइट के अंदर, तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पहले आपको करना पड़ेगा, न्यू रजिस्ट्रेशन आप अपना करना पड़ेगा। यहाँ पर एक आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट करना पड़ेगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में कुछ इस तरीके से लिखा होगा। ठीक है, डाउनलोड इन्फॉर्मेशन बुलेटिन आप कर सकते हैं। ठीक है, और बात बाकी अगर आप देखेंगे, प्लीज रीच द एक्सटेंशन, वो सब कुछ आप पढ़ लीजिए, वो मैं आपके लिए पढ़ के दिखा रहा हूँ। ₹1500 फीस है, नो फीस इज रिक्वायर्ड टू बी पेड बाई SC ST PWD एक्स सर्विस मैन के लिए, प्रोसेस चार्ज ऑन द एप्लीकेशन फी ना, वो अलग है। ठीक है, मतलब फॉर्म फीस नहीं लगेगी, अगर कोई आप कार्ड वगैरह था तो उसका आपका लगेगा। ठीक है, बात बाकी अगर हम चले, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है तो उनको समझ लो। कंप्लीट द एप्लीकेशन, कैंडिडेट कैन लॉग इन विद द सिस्टम जनरेट एप्लीकेशन एंड क्रिएट पासवर्ड, मैं किन बोला ना आपसे, पासवर्ड आपको क्रिएट करना पड़ेगा। स्कैन फोटोग्राफर सिग्नेचर शुड बी इन द जेपीजी फॉर्मेट, साइज ऑफ द स्कैन 10 से 200 KB के बीच आपकी फोटो होनी चाहिए, सिग्नेचर 4 से 30 KB का होना चाहिए, द फोटोग्राफ शुड बी कलर्ड और ब्लैक एंड व्हाइट बट क्लियर, बस क्लियर होनी चाहिए, उन्होंने सिंपल सा बोला है। ठीक है, और नई होनी चाहिए यार, सीधी सीधी बात है ना। अब आगे अगर हम बात करें पे एग्जामिनेशन फीस, वो अलग मैटर है। इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन अबाउट पासवर्ड, तो वही यार है कि वो जो कैरेक्टर वगैरह आप लोग बनाते हो, वो समझ रहे हो ना, 8 डिजिट का होना चाहिए, 8-13 यार बनाते रहे हो, हाउ टू रीसेट। ठीक है, SMS, और हम लोग यहाँ से करेंगे आई हैव डाउनलोड एंड रीड द बुलेटिन, द एप्लीकेशन नंबर प्रिंटेड जनरल कन्फर्मेशन पेज। हम चलते हैं आगे, तो यहाँ पर आपको ये सारी डिटेल्स, ये देखिएगा, ये सब आपको भरनी होगी। चलिए भरते हैं, कैंडिडेट नेम भरते क्या आपको बता देते हैं, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर आइडेंटिफाई टाइप, आइडेंटिफिकेशन नंबर, हाउस नंबर, फ्लैट नंबर, लोकलिटी, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, ईमेल एड्रेस, कन्फर्म ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, है ना, और कंफर्म मोबाइल नंबर, लैंड विद लाइन, ये सब चीज़ें हैं, वही एड्रेस वगैरह। यहाँ सिक्योरिटी पिन ऐड करोगे, ये आपका हो जाएगा यहाँ से रजिस्ट्रेशन, फिर आपकी मेल पर एक पासवर्ड आएगा, वहाँ से आपको क्रिएट पासवर्ड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, तो जैसे ही आप अपनी डिटेल भरेंगे कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। मैंने यहाँ पर सब फर्जी डिटेल भरी हुई है, तो उसके चक्कर में कथा ही ना पड़े। ठीक है, ये हो गया मोबाइल नंबर, ये हो गया ईमेल नंबर, ठीक है, सब कुछ मैंने डिटेल भर दी। उसके बाद जब आप नीचे आओगे, उसमें जो है पासवर्ड आपका वहीं सेट करा लेगा, उसमें आप लिख देंगे माय नेम, फादर्स नेम सही है भैया मेरा, मदर्स नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, जेंडर सही है, ये सब कुछ कराएगा आपका। ठीक, इसी तरीके से कुछ अभी सीटेट का भी था, सबमिट एंड सेंड OTP यस कर दीजिए। ठीक है, तो जैसे ही आप इस मोबाइल नंबर पर जहां भी आपका हो, तो वहां आएगी OTP भैया, तो जैसे ही आपको OTP डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो आप OTP डालिए और उसके बाद आगे बढ़ जाइए। ठीक है, तो जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, कुछ इस तरीके से आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म इनकम्प्लीट। अब आप जाएंगे तो लिख कर आएगा कंप्लीट ये एप्लीकेशन डिटेल। ठीक है, एंटर सिक्योरिटी पिन, ये आप भर दीजिए। यहाँ पर क्या मांग रहा है, डिटेल भरते हैं, पर्सनल डिटेल अब आपकी मांगे, सारी वो डिटेल हो गई। अब आप यहाँ पर मांगेगा वेयर यूर रीजनल डोमिसाइल। ठीक है, ये क्या लिखा हो, जम्मू, वेयर आर यू ओरिजिनली डोमिसाइल इन द स्टेट ऑफ जम्मू, नहीं यहाँ पर नो कर दो, अगर आप हो तो भाई भर देना। ठीक है, जम्मू के, और आपकी यहाँ पर कैटेगरी आप अपनी भरे, तो इसको अगर हम SC कर देते तो यार फीस नहीं लगेगी, है ना, तो फॉर्म में आपको
30 पेमेंट तक दिखा दूंगा। आर यू यू डेफिनेटली एबल्ड? यस। डिसेबिलिटी? नो नो नो, डिसेबिलिटी पूछ रहा तो नो कर देंगे। आर यू एक्स सर्विस मैन? नो। जो भी आपका योर आइडेंटिटी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क्स का मतलब है, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूंगा मोल ऑन लेफ्ट हैंड, ठीक है, तिल का मैं दिखा देता हूँ, या आपके कोई भी दाग हो तो आप अपना दिखा सकते हैं। तो मैं यहाँ पर मोल ऑन राइट हैंड भर देता हूँ, ठीक है, कुछ भी भर दो यार, ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर भर रहा हूँ, तुम अपना सही भरना है ना, सिंगल भर दो भैया, है ना। इसके बाद आप सिंपल सा यहाँ पर ये भरेंगे डिटेल, ठीक है। जैसे ही आप भरेंगे तो कुछ आप सेव एंड नेक्स्ट पर आप चले जाएंगे। आर यू श्योर टू सबमिट? आगे चले जाइए। इसने कुछ जो है त्रुटि दिखा दी है। नेशनलिटी भैया इंडियन, इसमें कुछ कहने वाली बात है ना। तो ये है, अब आप जैसे ही जाएंगे पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ पर आप लिख कर आएंगे, सारी पोस्ट यहाँ पर दोस्तों लिख कर आएंगे। तो जो भी आपकी पोस्ट हो, TGT, इंग्लिश, हिंदी, जो भी आपको भरना हो, जैसे मैं PRT का भर रहा हूँ, तो प्राइमरी टीचर का ऑप्शन है, प्राइमरी टीचर म्यूजिक नीचे है, तो प्राइमरी टीचर आ जाओ नीचे, ठीक है। एग्जाम सिटी आप अपनी भर सकते हैं, जो भी है आप पहले यहाँ पर उत्तर प्रदेश भरे, उत्तर प्रदेश के बाद सिलेक्ट एग्जाम सिटी में जाइए, तो एक यहाँ पर आप, मैंने लिया कानपुर, ठीक। आइए मैं स्क्रीन इधर कर देता हूँ, ठीक है। तो इसके बाद स्टेट एंड एग्जाम सिटी, फिर उत्तर प्रदेश यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा, फिर आप अपनी उत्तर प्रदेश में ही जो भी आपको भरना हो, जैसे लखनऊ भर देंगे उसके पास का, तो ये सब आपकी चार चॉइस आपकी ली जाएंगी, ठीक है। तो जितनी आप जल्दी भरेंगे उतनी जल्दी आपको सही सेंटर मिल जाएगा, ठीक है। तो ये भरनी ही पड़ेंगी, तो अब आप इसको मेरिट कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए यार, है ना, अपने हिसाब से आप करिएगा, इतना तो यार तुम जानते ही हो, अयोध्या भर दिया, ठीक है। प्रोबेबिलिटी नहीं दीजिए, नहीं हिंदी मीडिया, यस, ये आपको भरना पड़ेगा। हिंदी एंड इंग्लिश मीडिया आपको प्रोफिशिएंसी है, ये पूछता है, नॉलेज ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, यस, ये आप यस ही करेंगे, ठीक है। कंप्लीकेटर, इसमें भी आप यस करेंगे, उन्होंने वहां पर साफ साफ मांगा है आपसे कि आपका मतलब है प्रोफिशिएंट या नहीं, क्योंकि जो आपकी पोस्टिंग होती है पहली, वो अधिकतर जो है दोस्तों इधर ये का नाम केरल या दूर दूर ही होती है, ठीक है, पहाड़ी इलाकों में, नॉर्थ ईस्ट एरिया हो गया। क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन डिले, पास स्टेटस पास भरोगे, पास ही मांगेगा, अपीयरिंग अपीयरिंग का कोई लभेड़ ही नहीं, पास कब हुए यहां से अपना ईयर वगैरह भर दो, ठीक है। कोर्स स्ट्रीम नेम आप भरेंगे, जो भी आपने किया हो यहाँ पर, जो भी मान लेते हैं आपने डिप्लोमा किया, एटलीस्ट 50% मार्क, 2 ईयर डिप्लोमा विद सीनियर सेकेंडरी इलेवन वाट एवर नेम नोन, तो ये आप भर देंगे। जैसे ये BLED वालों के लिए है, ये 2 ईयर डिप्लोमा, ये किसके लिए, एटलीस्ट 50% वॉट एवर नोन सीनियर सेकेंडरी एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन नहीं, यहाँ पर ये भर देंगे आप, ठीक है। एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अब आप यहाँ पर बोर्ड यूनिवर्सिटी इनके सदर, तो बोर्ड यूनिवर्सिटी अपना नाम भर दोगे। रिजल्ट मोड जब आप भरेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे परसेंटेज है आपका, ठीक है। उसके बाद आप अपना जो भी कोर्स का स्ट्रीम था आपका, समझ लो इस बात को बहुत अच्छे तरीके से, उसका मतलब आपने जो BEd BTC किया उसका मांग रहा है, ठीक है, तो उसका आप टोटल मार्क्स, ऑप्टन मार्क, परसेंटेज यहाँ पर भर दो। जैसे मुझे ध्यान नहीं, कुछ भी भर दो यार, 3200 में से मुझे मान लो मिल जाते हैं 2800, ठीक है, तो यहाँ पर परसेंटेज अपने आप लिख कर आ जाएगा 87 पॉइंट। यहाँ पर अपने सब्जेक्ट भर दो, ठीक है, जो भी आपके सब्जेक्ट हैं वो आप भर देंगे, उसमें इतना कोई दिक्कत थोड़ी ना, सारे सब्जेक्ट लिख दो। अब जैसे BTC वाले बोलेंगे बहुत सब्जेक्ट है सर, तो वो लिखने पड़ेंगे, लिख दो, ये औपचारिकताएं हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपकी, है ना। सिक्योरिटी पिन आप भरेंगे फटाक से, और उसके बाद हम लोग चलेंगे आगे, ठीक है। तो इसमें साफ साफ दोस्तों इसमें कंफ्यूज मत होना, ये जो आपका यहाँ पर डिटेल मांगी गई है, सीनियर सेकेंडरी और इट्स इक्विवेलेंट विद 50% मार्क चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा इन व्हाट एवर नोन, ये स्पेशल एजुकेशन का, ये BLED का, तो इसमें तुम लोग भर दो। और इसमें ही आई थिंक यार BEd का ऑप्शन क्यों नहीं दिख रहा है यहाँ पे, क्यों नहीं दिख रहा है पता नहीं, इसी में होना चाहिए वैसे, है ना। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, यस किया। आगे जैसे ही आप भर रहे हैं, क्या यूनिवर्सिटी, अच्छा ये भरनी है यूनिवर्सिटी का नाम भरना, मैं यहाँ पर कुछ भी टाइप कर देता हूँ, जो भी आपको सही लगे, आपकी जो भी यूनिवर्सिटी का नाम हो, क्योंकि इंडिया लेवल पर ये वीडियो जाएगा, तो आप उस तरीके से भर सकते हैं, है ना। आप तुरंत आगे चलेंगे हम लोग फटाक से, जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे तो ये आर यू एम्प्लॉई ऑफ KVS,
यहाँ पर कर देंगे ना, अगर आप है तो कर दीजिए। आर यू सीटेट क्वालिफाइड, या सीटेट क्वालिफाइंग आप ईयर यहाँ पर भरेंगे, सिंपल सा जो भी आपने सीटेट का आप अपना रोल नंबर यहाँ पर भरे, ठीक है मैं कुछ भी भर दे रहा हूँ। सीटेट पेपर आपने प्राइमरी का भर रहे तो आपको पेपर वन ही आप भरेंगे ना, उसमें खुद ही ऑप्शन आ जाएगा वो, ठीक है। और आगे चलते हैं 4935, 4935 एंड देन एस, नो रिगार्ड फाउंड और पेपर, ये रोल वन। अब ये यहां पर देखिए कर रहा क्रॉस वेरीफाई। अब हम लोग पहुंच कहाँ गए हैं, ये हम मैच करते हैं। हम लोग पहुंच गए केवीएस एम्प्लॉयमेंट एंड सीटेट डिटेल्स में, ठीक है। या और आगे चलते हैं कुछ इसमें करते हैं। आर यू वांट टू सबमिट, नो रिकॉर्ड फाउंड फॉर पेपर ईयर रोल नंबर कॉम्बिनेशन, प्लीज इनपुट करेक्ट डिटेल। अब यहां से मैं थोड़ा सा यहाँ पर रुकना पड़ रहा मुझे, क्योंकि यहां पर चाहिए उन्हें सही डिटेल, ठीक है। केवीएस सीटेट डिटेल, उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड होगा और फाइनल सबमिट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी अपनी जो है, जो भी आपका सही ईयर हो, सीटेट का सही रोल नंबर भरना होगा, वो भरना होगा और उसके बाद भर देना होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट अपलोड यहाँ पर, इसके बाद कैसे क्या है, तो ये वेरीफाई होने के बाद मैंने की जुगाड़, और उसके बाद आप भरेंगे फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपने अपलोड करेंगे, यहाँ से फोटो भैया, ठीक है। और वो मैंने आपको बता दी है 10 से 200 KB की होनी चाहिए और सिग्नेचर होना चाहिए आपका, और उसके बाद सिंपल सा कोई भी। तो जैसे ही आप फोटो और सिग्नेचर अपलोड करोगे, कुछ इस तरीके का आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। प्लीज रिव्यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन बिलो फाइनल बिफोर फाइनल सबमिट, वंस यू सबमिट द फॉर्म एबल टू नॉट बी एबल टू लेफ्ट बी मेनू बार, ओके। तो यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं जो मैंने लगाई हुई है। अब बस इसमें आपको क्या करना है, सिंपल सा ये सब कुछ कर दो कि भैया हमने सब सही भरा। और सुन लो, करेक्शन का मौका नहीं है तो कृपया करके सही भरें। कुछ फॉर्म में ऐसा ना तो डॉक्यूमेंट अपलोड करा रहा ना कुछ, बस आपसे बेसिक डिटेल्स मांग रहा है, तो वो आप सही भरें कृपया करके, तो आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। फर्जी ये काम ना करें। वेरीफाई योर ईमेल आईडी आईडी टू वेरीफाइड, क्लिक हियर टू वेरीफाई। अब यहां पर आपसे मांग देगा आपकी ईमेल वेरिफिकेशन लास्ट में, और ईमेल जो है अपनी सही ही भरें, ठीक है। क्योंकि उससे होगा क्या, अगर आप गलत भरते हैं तो इनका जो रिजल्ट आएगा, सब कुछ आएगा, सब कुछ जो लिस्ट आती है वो भी जो है ये इसी में देते हैं। तो इसलिए कोई भी किसी भी प्रकार की कोई गलती मत करिएगा, ठीक है, सिंपल सी बात है। एंटर ये मांग रहे हैं हमसे सिक्योरिटी पिन, जो कि आपको वहीं पर देखने को मिलेगा, है ना। जैसे आप सिक्योरिटी पिन डाल के आगे बढ़ेंगे, फिर आपके एक कोड जाएगा, वन टाइम पासवर्ड आपकी मेल पर, वो डालेंगे तब वेरीफाई। और मैं आपको एक सलाह दूंगा, फॉर्म अपना खुद से भरें, ज्यादा बेस्ट है कि आप किसी से भरवाएंगे तो वहां पर खुद बैठ कर भरवाएं। मेल आईडी और पासवर्ड मोबाइल नंबर अपने साथ रखें, जो मैंने यहाँ पर कागज दिखाए वो अपने साथ रखें, और आसानी से आपका फॉर्म भर जाए। तो आपका सब इस तरीके से दोस्तों आ जाएगा, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल सही है, पर्सनल डिटेल सही है, मतलब सब भर चुका, सही का मतलब ये है। फाइनल सबमिट इनकम्प्लीट, जैसे ही आप फाइनल सबमिट पर दबाएंगे बटन, तो आपको फिर कुछ इस तरीके से दिखेगा। वहां पर आप सिंपल सा ये करके, बार बार इसलिए करा क्योंकि ये आपको करेक्शन का मौका नहीं दे रहा इस बार, ठीक है। इसलिए सही भरो, बाद में कोर्ट कचहरी से कुछ नहीं होगा, करेक्शन का टाइम दे दो, ये कर दो, वो सब कुछ नहीं होगा, इतना आप समझ लो बहुत अच्छे से। तो ये सब हो गया, कंप्लीटेड व्यू पेमेंट डिटेल्स, व्यू एप्लीकेशन फॉर्म, रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अब मेरी पेमेंट डिटेल्स कैसे कंप्लीट हुई, क्योंकि मैंने SC से भरा तो कोई फीस नहीं लगी है, ठीक है। अगर आप और किसी से भरेंगे तो भैया आपकी जो है फीस लगी। ये पूरा मेरा फॉर्म है जो कि बिल्कुल ही फर्जी, इससे वास्तविकता का कोई संबंध नहीं है, इसलिए केवल आपके लिए बनाया गया। तो आप लोग अपना जो है फॉर्म जरूर सही से भरें और जुड़े रहें मैथ वॉरियर्स के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन टेक केयर, और किसी भी प्रकार की कोई गलती जो है ना करें फॉर्म में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ठीक है।